भाई ये है आप लोगों के लिए सरप्राइज, ये आ रहा है भाई। क्या था चल रहा है भाई फार्म? माशाल्लाह से बस चल रहा है, लगे में। ये पिछली बार जब मैं आया था तो नन्नी मुन्नी थी माशाल्लाह से। हाँ, ये भी अब काउंट हो रही है अच्छी अच्छी बछड़ियों में माशाल्लाह। क्या एज होगी इसकी? 13 महीने की हो गई है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज भाई दीन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों आ गई है वो वीडियो जिसका आपको था सबको इंतजार। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो सरप्राइज देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस चलिए भाई आ गए, बाइक पे बैठते हैं और चलते जमीन मेमर सोसाइटी। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं हस्बी कैटल फार्म पे और जो सरप्राइज है वो भी ऑलमोस्ट हमारे सामने ही आ चुका है। तो गाड़ी आ गई है, अभी अंदर आ रही है, वो हम आपको दिखाते हैं। और हस्बी कैटल फार्म का पूरा एक व्लॉग भी हम लोग शूट करेंगे जो कि हम इसी वीक में डालेंगे, लेकिन अभी आपको सरप्राइज दिखाते हैं जो हमारे पास सरप्राइज है। बस गेट खुल गया, गाड़ी अंदर आ रही है तो हम दिखाते हैं। भाई ये है आप लोग के लिए सरप्राइज, ये आ रहा है भाई शहजादा। ये भाई साहब ये गाड़ी लगी, बछड़ा छोटा सा है लेकिन गाड़ी बहुत बड़ी है। तो भाई माशाल्लाह ज़रूर कह देना, ठीक है। और ये बछड़ा लेने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक भाई की मोहब्बत थी जिसने हमें ये तोहफ़ा दिया, और सेकंड अली भाई का शौक़। अली भाई को बहुत शौक़ है भाई कि किसी बछड़े पे शौक़ किया जाए। तो अनलोडिंग हो रही है, अनलोडिंग मैं आपको दिखाता हूँ बछड़ा। मैं थोड़ा अगर आप करीब से दिखाऊं तो ऐसा बछड़ा है छोटू सा, ये ना लाल नुकरा। वालेकुम सलाम। तो भाई अभी उतरेगा, हमें ही ना गुज्जा गई है। ये लो भाई साहब उतर गए मजे से। अरे भाई ये बछड़ा है जो कि शौक के लिए लिया है, और ये अभी इस साल तो नहीं होगा, अगले साल पर ही जाएगा, लेकिन एक ये है कि ये तोहफा है किसी की तरफ से, और फिर तोहफा जैसा भी हो उस पर मना नहीं करते। बछड़ा कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। अबे भाई साहब ये तो खाना स्टार्ट हो गए, ये तो छोड़ ही नहीं रहे, मुझे लग रहा सदा के भूखे थे। और भाई ये जो बछड़ा है ना ये हमें गिफ्ट मिला है, हम तो पैसे देंगे भाइयों को जिसने हमें दिया है, बड़ी मोहब्बत में उसने हमें दिया है ये बछड़ा। और ये लाल नुकरा है लेकिन है गेनों में। तो दोस्तों ये जो बछड़ा हमने लिया है ठीक है, ये एक तरीके का गिफ्ट है एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर की तरफ से। उन्होंने शेख वान से हमारे लिए गिफ्ट भेजा है, उन्होंने बोला था कि ये मेरे पास है ठीक है दिल, ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, ये लाल नुकरा है और है गेना। तो कदमे तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये गोलाई में बहुत अच्छे हो जाते हैं। हस्बी कैटल फार्म पर देने का मकसद ये है कि जो शादान भाई हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इस वजह से हमने उनको ये दिया है। और हमने उनसे बोला है कि भाई कोशिश करके इसको बकरीद तक अच्छा कर दें, अगर ये इस काबिल लगेगा कि हमें ये बन सकता है, क्योंकि गेने हाइट में नहीं इतना वो करते, कदनी निकालते लेकिन वज़न काफ़ी कर लेते हैं। तो मैंने बोला अगर ये नस्ल में अच्छा है तो इसको बकरीद तक देखें, वरना इसको बकरीद में कुर्बान कर देंगे, वरना फिर इसको 2024 में लेके जाएंगे। तो ठीक है भाई, हस्बी कैटल फार्म पे हमने ये बछड़ा दे दिया है शादान भाई के पास, अब इंशाल्लाह चक्कर लगाता रह करेंगे। और आप लोगों से जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही बोलेंगे कि
ऐसे सब्सक्राइबर और ऐसे दोस्त जैसे शाबान भाई हस्बिल कैटल फार्म के, ऐसे आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट करते हैं। जैसे शाबान भाई हैं, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र दी, वो ऑफ़र क्या दी वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है, जब मैं इनका व्लॉग बनाऊँगा। और उन्होंने मुझे ऐसी ऑफ़र दी थी, अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको यकीन नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने इनके पास ही बछड़ा छोड़ा है, और जिन्होंने हमें बछड़ा भेजा है उन्होंने मुझे बोला था कि नाम मत लेना, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है भलाई करने का अगर नाम ले दोगे। तो इस वजह से उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको बोलूँगा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। अब ये गिफ्ट कैसा बनता है ये हमें देखना पड़ेगा, नहीं भी बनता तो एटलीस्ट उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ वो नहीं हिलती यार, इसको ज़रा सामने से चला के लेकर आना शाहान भाई, ये भी फॉर सेल हो, ये भी बिक गई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी ओए होए होए माशाल्लाह। क्या खूबसूरत बछड़ी है भाई, इनके फार्म की ब्रीड है, नाग झालर में भी अच्छी है बच्ची का, जो गुलाबी नाग है, कान इसके कजले मारे लाइट ब्राउन में, पीछे इसमें हल्का सा पट्टा है बैक की तरफ, और ये इसकी कमर है माशाल्लाह भाई, बहुत ही प्यारे वजूद में ये बछड़ी है। और इनकी जो सबसे फेवरेट बछड़ी है वो ये, ये यहाँ से हटती हटेगी नहीं, ले जा, ले जा। चल भाई का क्या नाम है, क्या नाम बताया, क्या नाम था, हुरम, हुरम इसका क्या मतलब है, वो नाम का गुस्सा आ गया, नाम को कुछ नहीं, हूर अधूर लग रहा था, बना के हम लगा दिया। अच्छा अच्छा, ये है भाई शाहान भाई माशाल्लाह से, आजा अरे भाई मुझे वीडियो बनाने दो खुदा के वास्ते, वो तो वो उनके सामने आ गई यार, मुझे वीडियो बनाने दो प्लीज। क्या हाल है शाहान भाई आपका, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनाए सब खैरियत है, क्या सब चल रहा है भाई फार्म माशाल्लाह से, बस चल रहा है लगे में, लगे में, ये पिछली बार जब मैं आया था तो नन्नी मुन्नी थी दी माशाल्लाह से, हाँ, ये भी अब माशाल्लाह से काउंट हो रही है अच्छी अच्छी बछड़ियों में माशाल्लाह। क्या एज होगी इसकी, 13 महीने की हो गई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी कोई खास केयर होती है या फिर यार अल्लाह की तरफ से खास केयर रखनी पड़ती है? अच्छा, तभी जो ना अल्लाह का शुक्र है कि ग्रोथ चल रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा नस्ल एक्स्ट्रा होना पर एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है ताकि अपनी नस्ल को ग्रूम करे। ये भी यहीं की ब्रीड है, हाँ ये होम ब्रीड है, बच्चों में तो ये होता है कि बेस बनाने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। अच्छा ये क्या, ये चोलिस्तानी, चोलिस्तानी माँ भी प्योर चोलिस्तानी है। ना कर भाई ना कर भाई, मैं कहीं और जाके गिर जाऊँगा, नो दोस्त को भाई ये वीडियो बनाने नहीं देगी आज, ये नाराज़ है हमसे। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।